शोर मचाए, शोर वाली हाल बनाए और एक वातावरण को भ्रमित करने का प्रयास किया। उसके बाद भी देश की जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री जी को दिया है, सारे देश के लोगों की प्रति, सभी जनता के प्रति हम आभार और धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस बार ऐतिहासिक निर्णय होगा और देश की जनता गौरवान्वित महसूस करेगा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। देखिए, विजय कुमार सिन्हा ने सीट कम आने को लेकर बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नकारात्मक सोच काफ़ी तेजी से फैलती है और इस बार विपक्ष ने नकारात्मक सोच को काफ़ी तेजी से फैलाया, इसी के कारण सीटें कम ही है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, देश की जनता का जनादेश देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है और तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर प्रतिपक्ष के लोगों ने जो भ्रम की स्थिति बनाया, जो संविधान के बारे में एक गलत बयानबाजी कर करके जो संविधान को अपमानित करते, तो जो संविधान का संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, चोर मचाए, शोर वाली हाल बनाए और एक वातावरण को भ्रमित करने का प्रयास किया। उसके बाद भी देश की जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री जी को दिया है, सारे देश के लोगों की प्रति, सभी जनता के प्रति हम आभार और धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस बार ऐतिहासिक निर्णय होगा और देश की जनता गौरवान्वित महसूस करेगा। देखिए, उसके हम बता दें कि कई पहलू था। नकारात्मक वातावरण बहुत तेजी से फैलती है, सकारात्मक वातावरण को पहुंचने में समय लगता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, और सत्य कभी पराजित नहीं होगा। सुना आपने भी विजय कुमार सिन्हा को। आप सभी को पता है अभी लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है। लोकसभा के चुनाव समाप्त होने के बाद जो एग्जिट पोल्स आए थे, उसके बाद जो एग्जैक्ट पोल आए, सभी को चौंका कर रख दिया। जहां पर एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी के 400 पार को पुष्टिकरण दे रहा था, तो वहीं पर एग्जैक्ट पोल पर एग्जिट पोल फ्लॉप होता नजर आया। अब ऐसे में NDA को बहुमत तो मिली है, लेकिन BJP को बहुमत नहीं मिली अकेले की सरकार चला सके अकेले, और ऐसे में जो छोटी घटक दल है NDA की, उन पर संशय बना हुआ है कि वो NDA के साथ रहेंगी या NDA का साथ छोड़ देंगी। तो इसको लेकर, सरकार बनाने को लेकर इस वक्त संशय है और लगातार दोनों NDA गठबंधन और NDA गठबंधन दोनों तरफ से जो है एक तरह से रेस लगा हुआ है कि सरकार कौन बनाए। हालांकि इस रेस में अभी नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके गठबंधन में अभी जो दल शामिल हैं उनके मुताबिक उनके पास बहुमत है। तो इस पर विजय कुमार सिन्हा का एक बड़ा बयान आया कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के आंकड़े ने चौंकाया, तो इसमें विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्ष ने इस बार बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैलाई है, इसी के कारण इस बार हमारी सीटें कमी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।